इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक अकाउंट पर किसी भी फ्रेंड्स को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे करें, क्योंकि आए दिन हमें किसी न किसी फ्रेंड्स को किसी भी वजह से ब्लॉक करना पड़ता है और अनब्लॉक भी करना पड़ता है। बट अपडेट होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है, जिस वजह से कई सारे यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉक और अनब्लॉक करने में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी फ्रेंड्स को किसी भी पर्सन को फेसबुक अकाउंट पर ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने डिवाइस में प्ले स्टोर को ओपन कीजिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप फेसबुक एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। ओके, क्योंकि अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ यह प्रोसेस आपको लेटेस्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा। तो अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, चाहे यहाँ से कीजिए या फिर वहां से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपको कितने फ्रेंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे फ्रेंड लिस्ट ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, इन सभी को आप वन बाय वन करके ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर किसी पार्टिकुलर फ्रेंड्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए इनमें से किसी भी फ्रेंड्स को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस पर्सन को ब्लॉक करता हूं, या फिर देखिए ये गौरव कुमार है, इसको मैं ब्लॉक करना चाहता हूं। तो थ्री डॉट पर क्लिक करना है, आपको भी दिखेगा। अब यहां पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा आपको ब्लॉक गौरव कुमार प्रोफाइल। ठीक है, जिनको भी आप ब्लॉक कर रहे हैं उनका नाम यहां पर दिख जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, आप यहां पर भी ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है ना, तो जैसे ही आप ब्लॉक करेंगे तो वह पर्सन आपके अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और पर्सन को आप ब्लॉक कीजिए। सिंपल यहां पर देखिए सौरभ कुमार है, इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद ब्लॉक सौरभ कुमार प्रोफाइल, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से ब्लॉक कीजिए, वह पर्सन भी आपके फ्रेंड लिस्ट से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब जिस पर्सन को आपने ब्लॉक किया है वह ना तो मैसेज कर पाएगा, ना ही आपके अकाउंट पर कोई वगैरह कुछ कर पाएगा, पोस्ट कर पाएगा। ठीक है, अब अगर आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फ्यूचर में मान लीजिए आपको अनब्लॉक करने की जरूरत हो गई तो अनब्लॉक कैसे करेंगे? तो फिर से आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है, उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको ब्लॉकिंग का, ये रहा ब्लॉकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए जिसको जिसको आपने ब्लॉक किया था यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगा। मैंने आपके सामने ब्लॉक किया था तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से भी किसी भी पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद भी यहाँ पर ऊपर में दिख जाएगा एड टू ब्लॉक लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उनका नाम टाइप करना होगा या ईमेल टाइप करना होगा जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ गौरव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप गौरव सर्च करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स से पहले से उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो सिंपल ब्लॉक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए और ब्लॉक कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यह जो पर्सन है ब्लॉक हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, बैक आइए। यहाँ पर देखिए अब तीन पर्सन ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है ब्लॉक करने का। अब अगर अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको सिंपल अनब्लॉक पर क्लिक करना है और अनब्लॉक कर देना है। सेम उसी तरीके से अनब्लॉक पर क्लिक करना है और अनब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है ब्लॉक और अनब्लॉक करने का फेसबुक पर। इस तरीके से आप 2024 में अपने फेसबुक अकाउंट पर किसी भी फ्रेंड्स को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर जब चाहे तब अनब्लॉक कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।